हैंडलूम भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। साथ ही भारत का हैंडलूम क्षेत्र देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हथकरघा क्षेत्र ने 9 सालों में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रधानमंत्री जी ने हैंडलूम को ट्रेडिशन के साथ टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा ताकि बुनकरों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और जीवन शैली में भी सुधार हो। हथकरघा देश के लगभग 35 लाख से अधिक बुनकरों की आजीविका का साधन है और एक खास बात, उनमें से 25 लाख से अधिक महिला बुनकर हैं, जिससे यह क्षेत्र नारी सशक्तिकरण का भी एक अहम उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुनकरों की जरूरतों को समझा और उनके लिए प्रभावी नीतियां भी बनाई और उन नीतियों की बुनकरों तक सीधी पहुंच को भी सुनिश्चित किया। भारत सरकार द्वारा शुरू हुई विभिन्न योजनाओं का लाभ देश के बुनकरों को मिला। स्किल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड, कच्चा माल एक्सपोर्ट, ई मार्केटिंग, डिजाइन इनपुट, मार्केटिंग सहायता, सौर ऊर्जा लाइटिंग यूनिट, भारत सरकार की इन सारी पहलों के मूल में हमारे मेहनती बुनकर भाई बहन ही हैं। इसके कारण हमारे बुनकर आज अपने व्यवसाय को आधुनिक स्वरूप भी दे पा रहे हैं और लाभकारिता से भी जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं भारत के कुछ हथकरघा संस्थानों की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने से बुनकरों का जीवन पहले से बेटर हुआ है। सोसाइटी में अच्छे काम मिलते हैं और उसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। From the inception, the society is on profit and we have been declaring a dividend and bonus to all the members. अभी हमें बहुत सुविधा हो रहा है, वो मार्केट जाना नहीं पड़ रहा है और घर में आकर वो कपड़े भी सेलिंग हो रहा है, वो पेमेंट भी ठीक तरह आ रहा है। ये सारे वीवर तो कन्वेंशनल डिजाइन के साथ साथ नए डिजाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डिजाइन, कलर एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, ये तीनों में ये लोग दूसरे से आगे है, तो इसलिए ये सस्टेन आगे भी कर सकता है। आज देश के कोने कोने में स्थित हमारी हथकरघा संस्थानों की कार्य क्षमता भी बढ़ी है, उत्पादकता भी बढ़ी है और गुणवत्ता भी। यही कारण है कि घरेलू बाजार से लेके विदेशी बाजारों तक भारतीय हैंडलूम उत्पाद अपनी जगह बना रहे हैं। संगठन की मजबूत नींव पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते इनके कदम सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई ताकत दे रहे हैं।